बहुत धन्यवाद आपका। विधायक संतोष बावरी जिंदाबाद। विधायक संतोष बावरी जिंदाबाद। अबड़ा आज एक आपको बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, जो कि अनूपगढ़ को जिला घोषित करने के बाद, किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा 11 वर्ष का जो एक धरना चल रहा था, जिसके नेतृत्व में जो सुरेश बिश्नोई एडवोकेट है उनके नेतृत्व में लंबे समय से ये धरना चल रहा था, उसके बारे में आप जानकारी आपको देंगे, क्योंकि एक लंबा प्रयास लंबा कार्य है और आज खुशी जाहिर की जा रही है हमारे विधानसभा अनूपगढ़ के विधायक संतोष जी बावरी और उनके साथ वरिष्ठ नेता मोहनलाल द्विवेदी, हमारे बीच अनेकों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। ऐसी खुशी जो पूरे इलाके को रात से जब से अलाउंस हुआ है कि अनूपगढ़ को जिला घोषित कर दिया है, हर कार्यकर्ता हर पंचायत हर मेंबरान हर सरपंच खुशी जाहिर कर रहा है, रंग लगा के होली ढोल नगारों से नवाजा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सौगात दी अनूपगढ़। संतोष जी स्वागत है आपका जी, कैसी आज मुख्यमंत्री ने सौगात कल शाम को आपको दी है और खुशी दिख रही है आज मालाओं के साथ फूलों के साथ स्वागत बहुत भरपूर हो रहा है विधानसभा अनूपगढ़ के, आपको क्षेत्र को जिला बनाना ऐसा क्यों उचित लगा उनको? ये मेरे सभी क्षेत्र वासियों के संघर्ष का परिणाम है कि अनूपगढ़ क्षेत्र के सभी नागरिकों ने जो संघर्ष किया 11 साल से, कोई छोटा कार्यकाल नहीं है, 11 साल से वो धरना लगा करके हर कार्यक्रम करके अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग वो कर रहे थे। और जिला बनाओ संघर्ष समिति का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस मुहिम को लेकर वो चले, एकजुटता का परिचय दिया, राजनीति से ऊपर उठ करके अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग उन्होंने की, यहाँ तक कि पैदल भी जयपुर गए, क्या क्या उनके साथ समस्याएं आई, क्या उस टाइम की परिस्थितियां रही, लेकिन वो तटस्थ रहे। उसका परिणाम है कि आज सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी और मैं तो एक नियमित मात्र इसका माध्यम बनी कि आवाज जनता की बनकर के विधानसभा के अंदर रखी। उसका परिणाम है कि आज अनूपगढ़ को जिला घोषित किया गया है। अनूपगढ़ की जिला बनाने की जो ये घोषणा है, हमारे क्षेत्र में बहुत ही खुशी की लहर है, सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, अनूपगढ़ की जनता में खुशी की लहर है, क्योंकि आज अनूपगढ़ का जो हक था वो उन्हें दिया गया, अनूपगढ़ की जनता का जो हक था उसमें उनको दिया गया है। संघर्ष समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मीडिया है उन्होंने भी जो अनूपगढ़ को जिला बनाने की मुहिम को लेकर वो चले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के सहयोग से आज ये पॉसिबल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 सालों का जो तपस्या थी उसको पूर्ण रूप से आज अनूपगढ़ को जिला घोषित कर दिया। जल्द आपको लाइव दिन भर की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये नेतृत्व किसमें हुआ है, कैसे हुआ है, ये आपको बताएंगे नेतृत्व, क्योंकि जो कि एडवोकेट सुरेश बिश्नोई जी, जिन्होंने अपनी धीरज के साथ बैठे रहे और शांतिपूर्वक उन्होंने सबसे बड़ा धरना था। आप देखते रहिए इंडिया में टीवी। जय हिंद जय भारत। भारत माता की वंदे मातरम जिंदाबाद। मातरम मातरम भारत माता की वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। संतोष बावरी जिंदाबाद। रमण जी आगे तो थोड़े गोपाल सिंह जी इधर आ जाओ।